हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पोहा जो कि सभी को बहुत ही पसंद होता है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और जखिया और जीरा लिया है। फ्रेंड्स, मैंने पोहे को भिगा के उसी समय निकाल दिया था। अब मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है, उसके बाद ये गर्म हो गया था। मैंने इसमें जीरा और जखिया ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लंबी लंबी काटी हैं जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और मैंने साथ में पुदीना भी ऐड कर दिया था। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जिससे कि थोड़ा ब्राउन होने देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है, अगर आपको ऐड करना है तो करिए, नहीं तो स्किप कर देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं मैगी मसाला भी ऐड करूँगी, लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे पोहा ऐड कर दिया है जिससे कि मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कोई पानी वानी कुछ ऐड नहीं किया है। लास्ट में मैं यहाँ पे चाट मसाला ऐड करूँगी जिससे कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, और हरा धनिया भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर 5 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पोहा बनकर बिल्कुल तैयार है आसान तरीके से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।